एक गांव में दो भाई और एक बहन रहा करती थी। बड़े भाई का नाम रामू, छोटे भाई का नाम राजू और बहन का नाम पिंकी था। बड़ा भाई खेतों में काम किया करता एवं छोटे भाई और बहन पढ़ाई किया करते थे। राजू को हमेशा सब्जी लाने के लिए बाजार जाना पड़ जाता था। वो लगभग 2-3 दिन पे मार्केट जाया करता था। राजू के घर और मार्केट के बीच एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था, जिसे राजू को पार करके मार्केट जाना पड़ता था। राजू को बाजार से सामान खरीदते खरीदते काफी समय लग जाता था। कभी कभी राजू को बाजार से घर पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो जाता था। एक दिन की बात है, राजू जब फिर से बाजार गया तो बाजार जाते जाते उसे रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया था, जिसके कारण उसे बाजार पहुंचने में काफी देर हो गई। और जब वह बाजार पहुंचा तो उसने सामान खरीदा और फिर घर की ओर चल दिया। क्योंकि शाम होने को चला था, इसलिए राजू ने दूसरे रास्ते से जाना पसंद किया और जाते जाते उसे काफ़ी थकावट महसूस हुई और वो पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि काश खाना मिल जाता। तो ऊपर से खाना आ गया। फिर उसने सोचा, काश पानी मिल जाता। तो उसे पानी भी मिल गया। तब उसने सोचा कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, यहाँ आसपास भूत तो नहीं है, कहीं ये खिला पिला कर मुझे मार ना दे। इतना बोलते ही राजू तड़प कर मर गया वहीं पे पेड़ के नीचे। ये सब घटनाएं राजू के साथ इसलिए हो रही थी क्योंकि राजू जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो पेड़ एक जादुई पेड़ था और इच्छा पूर्ति पेड़ था, इसलिए राजू जो जो बोल रहा था वो उसके साथ घटना हो रही थी। जब राजू देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसका भाई खोजते खोजते उसे उसी पेड़ के पास आ गया। तब उसने देखा कि राजू वहाँ पे ऐसे ही गिरा पड़ा है। तब उसने भगवान से कहा, हे भगवान, ये मेरे भाई को क्या हो गया, मेरे भाई को ठीक कर दो। रामू के ऐसे बोलते ही राजू ठीक हो गया और दोनों भाई हंसी खुशी घर को चल दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सही सोचना चाहिए, क्योंकि जो सही सोचते हैं उनके साथ हमेशा सही होता है।